एक ओर जहां सरकार द्वारा लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, आज वहीं गिरिडीह के कुछ ऐसे गांव जहां के लोग स्वच्छ पानी तक के लिए तरस रहे हैं, मजबूरन उन्हें नदी नाले का गंदा पानी पीना पड़ता है। ऐसा ही एक गांव तीसरी प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित जमुनिया टाड़ है, जहाँ के लोग सूती का पानी पीने को मजबूर है। मुख्यालय के नजदीक बसे 220 लोगों की आबादी वाले इस गाँव के लोग लगभग 20 वर्षों से पानी के पसीना बहा रहे हैं। बगल में कितना दूर है ना, लेकिन इस इंसान गरीब तो नहीं उसे करेगा, हम देखते हैं। मुखिया खुद हो क्योंकि इस बार मुखिया किशोरी साहू जी बने हुए हैं, शायद जनता का उनसे उम्मीद है। बगल में ये मानवता का शर्मसार हो रहा है। सरकार जो जल नल योजना स्वच्छ पानी पीना पिलाने का वादा किया है वो सरकार न कर रही है, न यहाँ की विधायक कर रही है। इसके लिए हम माननीय जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी है, जो सिल्ली के विधायक हैं, हमारे सुप्रीमो हैं, उससे हम विधानसभा में उठवा करके और जल्द से जल्द बनवाने की काम करेंगे। चूंकि यहाँ कोई नेता और जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है, न मुखिया प्रमुख, सारे के सारे फेल।